नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाइयों में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। हमारे सहयोगी प्रकाशन अखबार दोपहर ने यह घोटाला उजागर किया। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी प्रतिष्ठान हॉपकिन इंस्टीट्यूट को दवाई खरीदने का जिम्मा सौंपा है। वर्ष 2017 के आखिरी महीने में इंस्टीट्यूट ने जिस रेट पे ये दवाइयां खरीदी बाजार भाव से, वो बहुत ज्यादा है। उदाहरण के तौर पे वेक्सोल्टा वायोफाइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एंटी हिमोफिलिन इंजेक्शन 2,995 रुपए प्रति यूनिट खरीदी, जबकि इसी कंपनी ने यही इंजेक्शन राजस्थान में 1,929 रुपए प्रति यूनिट बेची। यानी महाराष्ट्र सरकार को 1,000 रुपए प्रति इंजेक्शन ज्यादा कीमत देनी पड़ी। खबर के पीछे की खबर यह है, महाराष्ट्र में आज भी हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। कई जिला अस्पताल में दवाइयां पूरी नहीं होती, कई जगह डॉक्टर्स नहीं होते। ऐसे में जब करोड़ों रुपए का घोटाला दवाइयां खरीदने में होता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है भ्रष्टाचार का, क्या वो ऊपर तक जा रहा है या सिर्फ अधिकारी पैसा खा रहे हैं? यदि अधिकारी पैसा खा रहे हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार का नेतृत्व इतना कमजोर है कि भ्रष्टाचार उनके नाक के नीचे हो रहा है और वो उस पे काबू नहीं पा रहे? और यदि वो पैसा ऊपर तक जा रहा है तो फिर ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, ये जो शब्द बार बार कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसका क्या होगा? यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।